हेलो, कहाँ हो तुम शामिर? यार मैं दोस्तों के साथ हूँ, तुम बताओ। क्या बताऊँ मैं, भूख से मर रही हूँ, ना पैसे है मेरे पास, ना कोई खाने की चीज। अरे नाराज क्यों हो रही हो, अपनी कोई ज्वेलरी वगैरह अंगूठी वगैरह बेचो, कुछ दिनों का राशन का बंदोबस्त कर लो, फिर कुछ दिनों तक पैसे आ जाएंगे। कब कब आने शुरू होंगे पैसे? पिछले 6 महीने से तुम मुझे ऐसे बेवकूफ बना रहे हो, कब प्रॉफिट आना शुरू होगा? अरे यार मुझे क्या पता, मैं भी तो तुम्हारे साथ तुम्हारे जैसे हाल में रह रहा हूँ ना। हाँ गलती हो गई थी मुझसे, जो तुम्हारे कहने में आके मैंने सारे पैसे उस काम में लगा दिए। तुम क्या समझते हो मेरे पास कोई सोने की दुकान है? कभी ना कभी तो पैसे खत्म होंगे ना, और फ्लैट का किराया भी तो है। ले देगे, 2 अंगूठियां बची है मेरे पास, समझ में नहीं आता कि उनको गिरवी रखाऊं या फिर बेच दूं, पर गैस और बिजली के बिल अलग हैं। अरे यार इन सारे मसलों का हल भी सोच लेंगे, कुछ दिन सबर तो करो। सबर? तुम मुझे सबर करने के लिए कह रहे हो? अरे मजबूरी है मेरी जान, तुम्हें पता है कि मैं नौकरी नहीं कर सकता, अगर मैं नौकरी करूंगा तो फिर मैं अपने कारोबार को कैसे देखूंगा? कौन सा कारोबार? वो कारोबार जिसमें सारे पैसे लगाने के बाद आज तक टके का प्रॉफिट नहीं हुआ हमें। अरे मेरी जान मिलेगा मुनाफा, मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, मेरी भी सारी की सारी उम्मीदें इसी से वाबस्ता हैं। देखना एक ना एक दिन जरूर नफा होगा। मुझे नहीं पता शामिर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं तुमसे क्या कहूँ। अरे मेरी जान गुस्सा मत करो, बस इतना सोचो जब तक मेरा कारोबार चल नहीं जाता तुम मेरा साथ कैसे दे सकती हो? और कैसे साथ दूं मैं तुम्हारा? तुमने कहा शादी नहीं करेंगे, सादगी से निकाह करेंगे, 4 लोगों में निकाह कर लिया, छोटा मोटा घर खरीदने के बजाय सारे पैसे तुम्हारे हवाले कर दिए, पर अब तो जेवर बेच बेच के गुजारा कर रही हूँ, पर अब वो भी नहीं रहा मेरे पास। देखो मेरी बात सुनो, मैं भी तुम्हारे साथ ही हूँ, तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ। तुम्हारी इस मोहब्बत ने मुझे बदहाल कर दिया, मफलिस कर दिया है, पर अब तो मुझे ये लगना शुरू हो गया कि तुम इतने फारिग और निकम्मे इंसान हो कि तुम्हारे साथ रहती रही ना तो ये बदहाली और मुफलिसी मेरा मुकद्दर बन जाएगी। देखो तुम अभी गुस्से में हो तभी ऐसी बातें कर रही हो, वरना ऐसा कुछ भी नहीं है। साइला आपको बुला रहे हैं, जाइए। जी ठीक। अगर आप चाहें तो कल से ज्वाइन कर सकते हैं। यह रहा आपका अपॉइंटमेंट लेटर।
फाइन। उसने मेरी सीवी देखकर ही नौकरी मेरे लिए रख ली, तभी तो आज इंटरव्यू के लिए मैं अकेली कैंडिडेट थी। और ये लेटर, शायद वो जानती थी मुझे कितनी ज़रूरत है उस जॉब की। मैंने उसके साथ क्या क्या नहीं किया। मुझे एहसास भी हुआ तो अब इतनी तकलीफें उठाने के बाद, लेकिन अब तो मैं उससे माफ़ी भी नहीं मांग सकती। उसे लगेगा कि मैं अपने मतलब के लिए उसके साथ जुड़ रही हूँ। हालांकि ये अल्लाह जानता है, मैं अब उससे किसी मतलब या फिर किसी गर्ज के लिए नहीं, बल्कि अपने रिश्ते के एहसास से जुड़ना चाहती हूँ। पर मैं ये बात शायद अब कभी मोमिना को नहीं बता सकूँगी। सही भी है, वक्त पर इबादत हो या फिर मोहब्बत, अगर ना की जाए तो कज़ा हो जाती है।